अपने आसपास की ताजा तरीन खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली न्यूज झारखंड और घंटे के बेल आइकन दबाना ना भूल। नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी, प्रस्तुत है समाचार। एनएच 98 किनारे नाला निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग, नाला बनते ही जगह जगह पर टूट रहे छत। हरिहरगंज पलामू से हमारे संवाददाता प्रदीप कुमार मेहता की रिपोर्ट। झारखंड को बिहार से जोड़ने वाली एनएच 98 के किनारे हरिहरगंज शहरी क्षेत्र का नाला निर्माण का कार्य कुछ महीने पहले ही किया गया है, जिसमें घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किए जाने के कारण नाला बनते ही जगह जगह पर नाली के दीवार समेत नाली का छत टूट रहा है। हरिहरगंज से तेंदुआ से बिहार सिवाना तक करीब 20 करोड़ की लागत से 4 किलोमीटर तक एनएच 98 का चौड़ीकरण व मजबूतीकरण का कार्य किया गया है। सड़क बनते ही उखड़ना चालू हो गया है, साथ ही सड़क के किनारे पर नाला का निर्माण का कार्य आधा अधूरा किया गया, जिसमें छरी सरिया का उपयोग बहुत ही घटिया और दूर दूर पर लगाया गया है, जिसे टीक पाना असंभव सा लग रहा है। साथ ही नाला निर्माण का कार्य आधा अधूरा कर छोड़ दिया गया है, जिससे बारिश होने पर सड़क पर ही पानी जाम हो जाता है, जिससे एक्सीडेंट सड़क हादसे होने की संभावना बढ़ जाती है। घटिया सामग्री का प्रयोग किए जाने वो आधा अधूरा कार्य करने पर हरिहरगंज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय कुमार सिंह ने बताया कि संवेदक के द्वारा निर्माण कार्य में निर्धारित मापदंडों का पालन ना करके अपने हिसाब से ढलाई कर दी गई है, जो कि कुछ ही दिनों में टूटकर गिरना चालू हो गया है। सड़क व नाला निर्माण में मिट्टी युक्त बालू व कचरे युक्त छरी का प्रयोग किया गया है, साथ ही नाला निर्माण के बाद पानी का पटवन भी नहीं किया गया था। श्री सिंह ने कहा कि निर्माण कार्य का सही से जांच किया जाए तो सड़क में घटिया सामग्री लगाने का मामला उजागर हो जाएगा। कुछ ग्रामीणों ने कहा कि बगैर पीसीसी किए ही मिट्टी पर आरसीसी किया गया था, जिसे देखने और सुनने वाला कोई नहीं, विभाग के अधिकारी तक नहीं आए। जानकारी के लिए मैं आपको बताता चलूं कि जनप्रतिनिधियों के द्वारा घटिया सड़क व नाला निर्माण को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कई जगहों पर नाला निर्माण के दीवार छत टूटकर गिर पड़े हैं, सड़क में भी कई जगह गड्ढे हो गए हैं, आधा अधूरा सड़क व नाला का निर्माण किया गया है। टूटे हुए नाले के दीवार और छत कभी भी खतरे को आमंत्रित कर रहे हैं।